जाता हूँ ना यार, बोले पहले से वहां पहुंच जाए रहते हैं, देख सकते हो यहाँ भी बोले हैं। पे हूँ ना, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्क है जो गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज घूमते हैं यहाँ गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान में। तो हे गाइस, मैं उधर और एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आप लोग घुमाता हूँ आज मैं गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, और आप लोग को दिखाता हूँ जहाँ से हसदो नदी उद्गम हुई है। तो देर ना करते हुए यार चलते हैं, देखते हैं उस वो जहाँ से हसदो नदी उद्गम हुई है। क्या हूँ यहाँ जहाँ पे हसदो नदी उद्गम हुई है। तो सबसे पहले तो यार यहाँ एक मंदिर है, तो मंदिर के अंदर घुसते हैं और यहाँ पे ते हैं उनका दर्शन करते हैं भगवान जी का जो यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा जहाँ से हसदो नदी उद्गम हुई है। तो फटाफट चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रहते हैं भोले बाबा, तो चलिए आप लोग को दर्शन करा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं उधर जहाँ से उद्गम हुई हसदो नदी। तो मैं कहीं भी जाता हूँ ना यार, भोले पहले से वहाँ पहुँच जाए रहते हैं, देख सकते हो यहाँ भी भोले हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच भी नहीं सकते यार कि इतनी छोटी सी जगह से जो हसदो नदी उद्गम हुई है और उधर जाके इतनी बड़ी बन जाती नदी। आप लोग सुने तो होंगे हसदो नदी के बारे में, तो आप लोग देख लो आज, देखो जहाँ से हसदो नदी उद्गम हुई है। तो आप लोग देख लिए ना जहाँ से हसदो नदी उद्गम हुई है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी लगे तो फैला देना अपने दोस्त यार या भाई बहन कहीं भी। तो यार वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो टाटा बाय बाय।